मध्य प्रदेश शासन कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आज से पूरे मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई। नगरपालिका पीथमपुर में भी सीएमओ बघेल और नगरपालिका उपाध्यक्ष हंसराज पटेल ने हरी झंडी दिखाकर मास्क रथ को रवाना किया। ये वाहन नगरपालिका क्षेत्र के 31 वार्डों में जाकर नागरिकों को महामारी के दौर में मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेगा और मास्क भी वितरित करेगा। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि नगरपालिका द्वारा मास्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें समाज सेवी संगठनों के सहयोग से मास्क का वितरण नागरिकों को लगातार किया जा रहा है। साथ ही अपील भी की जा रही है कि मास्क बैंक में कोई भी मास्क दान कर सकता है। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। अनेक जिंदगी अभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के द्वारा कल एक किया गया कि 1 से 15 अगस्त तक हर जिले, हर वार्ड, हर तहसील में ये अभियान चलाया जाएगा। एक मास्क से अनेक जिंदगी बचाई जा सकती है। आप खुद मास्क पहने और सभी को पहनने की सलाह दें। पूरी नगर पालिका पीथमपुर श्रीमती कविता संजय वैष्णव जी द्वारा आज ये गाड़ी का हरी झंडी दिखा के चालू की गई है हमारी नगर पालिका से। हमारे हर वार्ड में जाके हर वार्ड में झंडी दिखा के चालू करेंगे और एक मास अनेक जिंदगी ये अभियान शिवराज जी चौहान का है। ये आज से हमारी नगर पालिका में चालू किया है। हमारे सीएमओ साहब के नेतृत्व में आज ये काम चालू हुआ है। आपका नाम और पद बता दें। हंसराज पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष पीथमपुर। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक मास्क सौ अनेक जिंदगी, एक मास्क में अनेक जिंदगी बचती है, सौ जिंदगी इसका नारा है। और विभागीय निर्देशानुसार आज से 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है, अनलॉक शुरू हो रहा है, शुरू ही हो गया है। और अनलॉक शुरू होते ही लोग बेपरवाह निकल रहे हैं और जो नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन के समय जो लोगों में अवेयरनेस था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसको जागरूक करने के लोगों के लिए ये विभागीय, हमारे नगरीय प्रशासन विकास विभाग का ये अभियान है जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। हर वार्ड में वार्ड बार इसका अभियान को चलाया जाएगा और इसमें मास्क बैंक भी बनाने के जो निर्देश हैं शासन के, तो मास्क बैंक रहेगा, लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराएगी नगर पालिका। और इसमें जो कई स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, समाज सेवी संस्थाएँ हैं, वो मास्क बना के जो बनाती हैं तो मास्क बना के नगर पालिका के जो बैंक है, मास्क बैंक है, उसमें उपलब्ध कराएंगे, करा सकते हैं। और नगर पालिका द्वारा ये लोगों को जागरूक भी करेंगे, साथ साथ उनको मास्क भी देंगे, मास्क बांटेंगे। इस प्रकार से ये शासन का, मध्य प्रदेश शासन का ये जागरूक करने का अभियान नगरीय प्रशासन विकास विभाग का। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।